फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी को। क्लियर? तो बीएससी थर्ड ईयर की जो बॉटनी है उसके सिलेबस को 3 पेपर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 पेपर्स हैं जिसमें बॉटनी का जितना भी कंप्लीट सिलेबस है, जितना भी पाठ्यक्रम है, उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। तो 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट में आता है पादप आकारिकी एवं शारीरिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी जो भी उसकी मॉर्फोलॉजी है, लीफ के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे, रूट के बेसिस पे, और उनकी जो एनाटॉमी है, रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी एंड लीव्स की एनाटॉमी जो भी है, उन सब की स्टडी इस बुक में की जाएगी। ठीक है, सेकेंड जो आएगी वो आएगी इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। जितने भी एनवायरमेंटल इश्यू हैं वो सारे के सारे पारिस्थितिकी में आएंगे, और इसके अलावा प्लांट्स जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसकी स्टडी करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान में। इसके अलावा जो थर्ड पेपर होगा दैट इज आवर्तबीजी, वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान, एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एवं एम्ब्रियोलॉजी। तो ये टोटल कितने पेपर हैं, 3 पेपर। बॉटनी सिलेबस थर्ड ईयर जो है उसको 3 पेपर्स में क्या किया गया, डिवाइड। हर एक जो पेपर है वो पेपर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सेकेंड ईयर के लेवल का है। ठीक है, कॉलेज लेवल का है, स्कूल लेवल का नहीं, कॉलेज लेवल का है। और जो फर्स्ट पेपर है वही 33 मार्क्स, सेकेंड पेपर एज यूजुअल 33 मार्क्स, और जो थर्ड पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 34 मार्क्स। 100 मार्क्स टोटल हो गए, 36 मिनिमम चाहिए, और प्रैक्टिकल्स के कितने हैं, 50 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे जो अच्छी बुक है स्टडी के लिए, या सबसे टफ बुक अगर किसी को कहा जाए तो सबसे टफ हो तो ये आवर्तबीजी, पादपों की वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पूरा का पूरा वर्गीकरण पढ़ना है, चाहे वो फैमिलीज वालों, जैसे कुल वगैरह आपने पढ़े, सबसे टफ आपको कुल वगैरह ही लगता है, तो चाहे फैमिलीज वगैरह हो, चाहे उनसे रिलेटेड कुछ सब फैमिलीज हो, कुछ भी हो, उन सबकी जो स्टडी है, उनका इंट्रोडक्शन है, उनका स्वभाव है, उनका वर्गी, कुछ भी हो, वर्गीकरण, नामकरण, सब कुछ किसमें पढ़ेंगे, आवर्तबीजी पादपों की वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान में। ठीक है, तो हम इसी बुक से स्टार्ट करेंगे, थर्ड पेपर से, और आज हम लेंगे पेपर थर्ड का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, थर्ड पेपर स्टार्ट कर रहा हूं, आवर्तबीजी पादपों की वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर का कौन सा पेपर ले रहे हैं हम लोग, पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड का लेंगे हम फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर्तबीजी वर्गीकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक्स। ठीक है, यहां पर वर्गीकी शब्द काम में लिया गया है, और वर्गीकी के अनुसार, वर्गीकी को इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी, जबकि सिस्टमेटिक्स को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यह है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी एवं वर्गीकरण विज्ञान, सिस्टमेटिक्स दोनों का अध्ययन करवाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, वैसे ज्यादा बात यह टैक्सोनॉमी पर करेगा, इस सिस्टमेटिक्स पर कम करेगा। ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंशिएशन है, अलग है, ट्रांसलेशन होना चाहिए था यहाँ पर टैक्सोनॉमी इंग्लिश में, बट अकॉर्डिंग टू बुक्स यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ये दोनों का अध्ययन करवाएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं नाम क्या है चैप्टर का, आवर्तबीजी वर्गीकी का परिचय। आवर्तबीजी वर्गीकी, ये जो चैप्टर का नाम है, इसी नाम में हमें दो शब्द देखने को मिल रहे हैं। एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है आवर्त बीजी, ये मिल रहा है आपको पहला शब्द देखने, कौन सा शब्द मिल रहा है, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है या आवर्त बीजी क्या होता है। ठीक है, तो वे पौधे, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पौधे जिनमें बीज फल भित्ति द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे पौधों को कहा जाता है एंजियोस्पर्म पौधे या आवर्तबीजी पौधे। वे पौधे जिनमें बीज क्या होंगे, आवृत होंगे। देखो दो शब्दों से बना है, आवृत और बीजी। बीज क्या होंगे, आवृत होंगे। आवृत मतलब आवृत होंगे, और किससे आवृत होंगे,
फल भित्ति से, फल भित्ति को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, तो अगर किसी पौधे के बीज, सीड जो है, बीज जो है वो आवृत है, कवर्ड है किससे, फल भित्ति से, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, आवृत बीजी पौधे। ठीक है, इस फल भित्ति का निर्माण किस भाग के द्वारा होता है, तो इस फल भित्ति का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से। अंडाशय निषेचन के बाद क्या बनाता है, फल भित्ति, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अंडाशय निषेचित होगा, निषेचन के बाद क्या बनाएगा, फल भित्ति। ये फल भित्ति किसको आवृत करेगी, बीज को आवृत करेगी। इस कारण ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में एंजियोस्पर्म, विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो संपूर्ण विश्व में आवृतबीजी पादपों की कुल कितनी जातियां उपलब्ध है, लगभग 2,60,000। ठीक है, कितनी जातियां उपलब्ध है, 2,60,000। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 17,672 जातियां लगभग किसकी है, आवृतबीजी पादपों की है। जबकि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो लगभग कितनी जातियां हैं, 2,200 जातियां हैं। ठीक है, तो 2,200 जातियां हैं राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान में कुल लगभग 2,200 जातियां आवृतबीजी पादपों की पाई जाती हैं, भारत में 17,672 जातियां जो हैं वो आवृतबीजी की हैं, जबकि विश्व में 2,60,000 जो जातियां हैं वो लगभग किससे संबंधित हैं, आवृतबीजी पादपों से। तो ये है आवृतबीजी पादप। उसके बाद इसका, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, वर्गीकी का परिचय, कि आवृतबीजी जो पादप हैं उनके किसका परिचय करना है, वर्गीकी का परिचय। ठीक है, तो ये आवृतबीजी पादप का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द यहां पर जो चैप्टर में दिया गया है, वो है वर्गीकी। ठीक है, चैप्टर एक्चुअल में यहां से स्टार्ट है। तो हमारा यहां पर दूसरा शब्द है वर्गीकी, कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी, जबकि सिस्टमैटिक्स को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। दोनों क्या है, दोनों की परिभाषाएं क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इसी इंट्रोडक्शन के साथ या इसी चैप्टर के साथ डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, वर्गीकी की, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। ये जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, किसका, ग्रीक भाषा का क्या है, ये शब्द है। ठीक है, ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है ग्रीक भाषा का, यह शब्द सबसे पहले एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है जिसका नाम है एपी डी कैंडोल। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह शब्द दिया है, टैक्सोनॉमी जो शब्द दिया है वो सबसे पहले किसने दिया है, एपी डी कैंडोल ने। ठीक है, इनकी उस पुस्तक का नाम जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पुस्तक का नाम है थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक, डी ला बॉटनिक। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये इनकी क्या है, बुक है, पुस्तक है, जिसमें सबसे पहले डी कैंडोल ने किस शब्द का प्रयोग किया है, टैक्सोनोमी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, डी कैंडोल ने अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक, इस पुस्तक में सबसे पहले किसका प्रयोग किया है, वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश संस्करण भी है, जिसका नाम है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी। लेकिन आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक। इस पुस्तक में एपी डी कैंडोल ने किस शब्द का प्रयोग किया है, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया है या फिर वर्गीकी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, एपी डी कैंडोल के अनुसार ये जो टैक्सोनॉमी है, यह टैक्सोनोमी दो शब्दों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। यह टैक्सोनोमी किससे मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला
टैक्सोन और दूसरा नोमोस। ठीक है, ये जो टैक्सोनॉमी दो शब्दों से बना है, टैक्सोन और नोमोस। ठीक है, तो टैक्सोन का मतलब होता है वर्गक, वर्गक मतलब क्लासेस, या फिर किस स्तर में उसका वर्गीकरण किया गया है उन्हें वर्गक कहते हैं, जबकि नोमोस का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, तो ये वर्गीकरण के बारे में बताता है, ये नामकरण के बारे में बता रहा है। क्लियर दैट? आपको समझ में आ रहा है ये सारा वर्गीकरण और किसके बारे में बता रहा है ये? शिट, नामकरण के बारे में। किस किस के बारे में बता रहा है? एक तो ये बता रहा है वर्गीकरण के बारे में, और एक ये बता रहा है नामकरण के बारे में। ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में बता रहा है और नामकरण के बारे में किसके अंदर बताया जा रहा है? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो टैक्सोनॉमी यहां पर दो शब्दों से बना है, टैक्सोन और नोमोस। टैक्सोनॉमी में टैक्सोन जो है वो वर्गक को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि नोमोस जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? नामकरण को। समझ में आ गया यहां तक? इसके अलावा डेकेंडोल ये कहता है कि यहां पर हम इस शाखा में क्या करते हैं, सब यहां पर कुछ पौधों की हम क्या करते हैं, पहचान भी करते हैं। मतलब हम वर्गीकरण भी करेंगे, नामकरण भी करेंगे, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसकी पहचान भी करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण भी करेंगे, नामकरण भी करेंगे, और इसके अलावा हम उसकी क्या करेंगे, पहचान भी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब ये वर्गीकरण दे दिया गया, टैक्सोनॉमी के दो भागों में बांट दिया गया, तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था G.M.H. लॉरेंस। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? G.M.H. लॉरेंस। और इन्होंने सबसे पहले इस वर्गी की या टैक्सोनॉमी की क्या दी यहां पर? परिभाषा दी। क्या दी? परिभाषा। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा है, और ऐसे ही ये जो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं उनसे बनी हुई परिभाषा है। ठीक है, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहां पर? बॉटनी का या फिर वनस्पति विज्ञान का। और टैक्सोनॉमी क्या कर रहा है यहां पर? वर्गीकरण कर रहा है, नामकरण कर रहा है, और पहचान कर रहा है। तो उसी के आधार पर G.M.H. लॉरेंस ने वर्गी की या टैक्सोनॉमी की क्या दे दी? परिभाषा। क्या परिभाषा दी? देखिए परिभाषा क्या है, लॉरेंस के अनुसार वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की पहचान, पौधों का वर्गीकरण एवं पौधों के नामकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। तो लॉरेंस क्या कहते हैं? लॉरेंस ये कहते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की शाखा है वर्गी की, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की पहचान की जाए, पौधों के वर्गीकरण का एवं नामकरण का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उस वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम क्या कहेंगे? वर्गी की कहेंगे। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पौधों की पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण के अध्ययन से संबंधित है उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकी कहेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपके टैक्सोनॉमी का, ये हो गई आपकी टैक्सोनॉमी का परिचय समाप्त। टैक्सोनॉमी शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किसका? ग्रीक भाषा का। शब्द किसने दिया? डिकेंडोल ने, एपी डिकेंडोल ने। एपी डिकेंडोल ने यह शब्द किस पुस्तक में दिया? थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इस शब्द का प्रयोग किया या इस शब्द के बारे में बताया। अब ये जो टैक्सोनॉमी है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला टैक्सोन और दूसरा नोमोस। टैक्सोन का मतलब होता है वर्गक या फिर वर्गीकरण करना, और नोमोस का मतलब होता है नामकरण करना। डिकेंडोल ने इन दो शब्दों के अलावा एक और शब्द का प्रयोग अपने पुस्तक में किया, किसका? आइडेंटिफिकेशन का या फिर पहचान का। और इन्हीं तीन शब्दों से मिलाकर इस वर्गीकी की या टैक्सोनॉमी की परिभाषा का निर्माण हुआ है, और इस परिभाषा का निर्माण का श्रेय दिया जाता है G.M.H. लॉरेंस को। G.M.H. लॉरेंस अपनी परिभाषा में कहते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण के अध्ययन, नामकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकरण, या सॉरी उसे ही कहते हैं वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी।
ठीक है। तो वर्गीकरण क्या है या वर्गीकी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं वर्गीकी। ठीक है, तो आपका टैक्सोनॉमी कंप्लीट, ठीक, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, यह है आपकी टैक्सोनॉमी। एक यहां पर शब्द और आता है जहां पर आपको पता होना चाहिए, बता देता हूं आपको कि यहां पर यह है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एपीडी कैंड कौन है, फादर है, जनक है किसका, टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी के बारे में इसी के द्वारा बताया गया है। जबकि अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो वो है एच शांता पाओ। एच शांता पाओ, एच शांता पाओ जो हैं वो क्या हैं, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि वर्गीकी में क्या कर दी, पहचान कर दिया, वर्गीकरण कर दिया और नामकरण कर दिया, बस इतना ही चलता था स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, कुछ पौधे लिए, उनके पहचान की, उनका वर्गीकरण क्या कर दिया और उसके बाद उसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, या फिर पहचान की उसके बाद उसका नामकरण कर दिया और उसके बाद उसका क्या कर दिया, वर्गीकरण। जब ये पौधे इस प्रकार प्राप्त होने लगे तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई एक पौधा है जिसको आपने देखा, उसके बाद आपने उसका नाम दिया और उसके बाद आपने उसकी वर्गीकरण कर दिया, मतलब आपने उसे कहीं पर रख दिया। ठीक है, आपने दूसरा पौधा भी ऐसे किया, आपने उसकी पहचान कर ली, पहचान करने के बाद आपने उसका नामकरण कर दिया और उसके बाद उसका वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, तो एक पौधा आपके पास ये वाला आ गया, मान लीजिए कोई पौधा है ए और ये कोई पौधा है बी। ठीक है, आपने इसका अलग से वर्गीकरण किया है वर्गीकी के अंतर्गत, आपने इसका बी वाले पौधे का अलग से वर्गीकरण किया है वर्गीकी के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन दो पौधों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होंगे। भाई किसी भी नए जीव के जो विकास होता है या किसी नए जीव की उत्पत्ति जो होती है वो पुराने या पूर्ववर्ती किसी जीव से होती है। ठीक है, ये आपने सबने सुन रखा है। तो मान लीजिए अगर इनकी उत्पत्ति किसी सेम पूर्वज से हो, समान पूर्वज से हो, तो इनमें भी कोई अंतर संबंधों का कोई संबंध पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह देखा गया कि टैक्सोनॉमी सही है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन इसमें कमी है। कमी यह है कि वर्गीकरण तो कर रहा है पौधों का, लेकिन किसी एक पौधे का किसी दूसरे पौधे के साथ क्या संबंध है, या किसी एक पौधे से किसी दूसरे पौधे में क्या अंतर है, क्या विविधता है, उसका अध्ययन टैक्सोनॉमी में नहीं किया जा सकता। अतः इस समस्या के समाधान के लिए या फिर इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक नया शब्द दिया गया। ठीक है, टैक्सोनॉमी एक पुराना शब्द है, पुरानी शाखा है वर्गीकरण करने के लिए, लेकिन आजकल एक नया शब्द दिया जाता है जिसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। क्या कहा जाता है, सिस्टमैटिक, ये वाला शब्द, लेकिन इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी नहीं कहते इसे, हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, यह हमारा है सिलेबस का दूसरा पॉइंट, पहला टैक्सोनॉमी पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक या फिर वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा से जो शब्द लिया गया है सिस्टमैटिक है। यह सिस्टमैटिक क्या करता है, यह देखो पहली जो शाखा थी उसका नाम क्या था, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। तो ये जो शाखा है वनस्पति विज्ञान की, ये वर्गीकी का अध्ययन तो करती है, इसके अलावा यह पौधों के बीच क्या बताएगी, अंतर संबंध, क्या बताएगी, अंतर संबंध एवं विविधता। अंतर संबंध बताएगी कि उनके बीच में संबंध क्या है, विविधता बताएगी कि उनके अंदर वेरिएशंस क्या है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या अंतर है, उनके बारे में बताएगी। इसका मतलब ये वर्गीकी का भी अध्ययन कर रही है और इसके अलावा अंतर संबंध एवं विविधता का भी अध्ययन कर रही है। तो यह टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की तुलना में एक बड़ी शाखा है। ठीक है, अब वर्गीकी के अंतर्गत अपन क्या क्या करते हैं, देखो वर्गीकी के अंदर सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, पहचान करने के बाद उसका क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं,
नामकरण करने के बाद उसका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इतने काम तो अपन ने वर्गीकरण के अंतर्गत कर लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं अंतर संबंध और विविधता का अध्ययन। तब जाकर एक बड़ी शाखा का निर्माण हुआ जिसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स या फिर वर्गीकरण विज्ञान। ये है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी वर्गीकरण विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की पहचान नामकरण एवं वर्गीकरण के साथ साथ उनके अंतर संबंध तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमैटिक कहा जाता है। ठीक है, यह जो शब्द है सिस्टमैटिक या फिर वर्गीकरण विज्ञान, यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लीनियस के द्वारा। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, इससे पहले जो टैक्सोनॉमी आपको बता रहा था वो भी 2013 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी शब्द या वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया है। कब आया था, 2013 में भी आया था वो क्वेश्चन और 2016 में भी आया था वो क्वेश्चन कि टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, जबकि कैरोलस लीनियस के बारे में सिर्फ इतना पूछा गया था कि सिस्टमैटिक जो शब्द है वो सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। ये कब आया था, ये आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2010 के अंदर। ठीक है, जबकि 2013 में और 2010 में ही एक और क्वेश्चन आया था 2013 में और 2010 में एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। क्या आया था कि ये जो सिस्टमेटिक शब्द है इस शब्द का प्रयोग कैरोलस लीनियस के द्वारा सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया। ठीक है, कैरोलस लीनियस की पुस्तक पूछी थी उन्होंने और उस पुस्तक का नाम क्या है, जेनेरा प्लांटेरम। उस पुस्तक का नाम क्या है, जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ और पुस्तकें हैं जैसे कि स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। सबसे पुरानी यही पुस्तक है किंतु जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, इस वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। इस पुस्तक का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जेनेरा प्लांटरम किसकी पुस्तक है, कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। क्यों, क्योंकि इसी पुस्तक में इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति का प्रयोग भी किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसका प्रयोग भी किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था। किस पुस्तक में किया था, जेनेरा प्लांटेरम में। इसलिए ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्या है क्वेश्चन। 2013 के बाद और भी आएंगे इसके बारे में क्वेश्चंस, बट ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये है आपका सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में हमने क्या कर दिया, सिस्टमैटिक्स में हमने वर्गीकी के साथ साथ उसके अंतर संबंध और विविधता का अध्ययन किया है। मतलब हमने पहचान भी की है पादप की, उसका नामकरण भी किया है, उसका वर्गीकरण भी किया है, और उसके बाद भी उसके अंतर संबंध बताया कि दूसरे पादपों के साथ उसके क्या संबंध है और दूसरे पादपों से उसमें क्या विविधता है कि या क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, शब्द किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। बुक के नाम क्या है, तीन बुक याद रखना, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरे। विशेष बुक कौन सी है, जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक शब्द। तो मैंने आपको दोनों शब्द बता दिए हैं, टैक्सोनॉमी भी बता दिए हैं, वर्गीकी भी बता दिया है और सिस्टमैटिक भी बता दिया है, मतलब वर्गीकरण विज्ञान भी बता दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। उसके बाद हम देखते हैं वर्गीकी के कुछ प्रकार या फिर टैक्सोनॉमी के कुछ प्रकार। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पहचान कर रहे हैं, उसका नामकरण कर रहे हैं किसी भी पादप का एवं उसके वर्गीकरण का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस शाखा को, इस टैक्सोनॉमी को, इस शाखा को या टैक्सोनॉमी जो है उसे तीन शाखाओं में बांटा जा सकता है। कितनी शाखाओं में, तीन शाखाओं में। कौन कौन सी, सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी,
या फिर अल्फा वर्गीकी, सेकंड बीटा टैक्सोनोमी या फिर बीटा वर्गीकी, और थर्ड ओमेगा टैक्सोनोमी या फिर ओमेगा वर्गीकी। तो यहां पर हमने टैक्सोनोमी की क्या बता दी, तीन शाखाएं। यहां पर ये जो तीन शाखाएं हैं इनमें सबसे पहली जो शाखा है अल्फा टैक्सोनोमी, ये सबसे पहले आता है, यह है टैक्सोनोमी की क्या है, प्रथम शाखा एवं प्राचीन शाखा। कैसी शाखा है, पहली शाखा, और पहले के साथ साथ कैसी है, सबसे प्राचीन शाखा। ठीक है, इस शाखा में जब भी किसी पादप का पहचान नामकरण या वर्गीकरण किया जाता है तो यह पहचान नामकरण एवं वर्गीकरण तीन चरणों में किया जाएगा इस शाखा के अंतर्गत। ठीक है, कितने चरणों में किया जाएगा, तीन चरणों में। सबसे पहले अनुसंधान या फिर अन्वेषण, अन्वेषण चरण। सबसे पहला जो चरण है वो क्या है, अन्वेषण चरण या फिर पहचान चरण। फिर एकत्रीकरण चरण, दूसरे चरण का नाम क्या है, एकत्रीकरण चरण। फिर तीसरे चरण का नाम है प्रमाण लेख। तो तीन चरण ऐसे हैं जिनके अंतर्गत हम किस टैक्सोनॉमी को सम्मिलित करेंगे, अल्फा टैक्सोनॉमी। या अल्फा टैक्सोनॉमी में पादपों का पहचान नामकरण और वर्गीकरण करने के लिए कितने चरणों को बनाया गया है, तीन चरणों को। ठीक है, अन्वेषण चरण, अन्वेषण या अनुसंधान चरण में हम क्या करेंगे, किसी भी पादप की क्या करेंगे, खोज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पादप की क्या कर रहे हैं, खोज करेंगे। खोज करने के बाद सेम रहेगा, खोज करने के बाद उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, और नामकरण करने के बाद उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। लेकिन वास्तविक वर्गीकरण इस अल्फा टैक्सोनॉमी में नहीं किया जाता, बल्कि कहाँ किया जाता है, बीटा टैक्सोनॉमी में। लिखा तो वर्गीकरण भी यही जाता है कि भाई अन्वेषण चरण में जो आएगा अल्फा टैक्सोनॉमी का, उसमें हम सर्वप्रथम किसी पादप की खोज करेंगे, उसके बाद उसकी पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे एवं वर्गीकरण प्रारंभ करेंगे। लेकिन वास्तविक वर्गीकरण किसमें आएगा, बीटा टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो जब खोज कर दी, पहचान कर दी, नामकरण कर दिया और वर्गीकरण प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, किसी ग्रंथ में या किसी पुस्तक में क्या कर देंगे, एकत्रित कर देंगे, लिख देंगे, उसे कहा जाएगा एकत्रीकरण। और उसके बाद वो जो लिखित पुस्तक होगी या जो ग्रंथ होगा, उस पुस्तक या ग्रंथ को हर्बेरियम में या किसी संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया जाता है प्रमाण के लिए कि हमने ऐसा कुछ खोजा था। ठीक है, तो ये तीन चरण हो गए। इन तीन चरणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद बीटा टैक्सोनॉमी जो आएगा वो वास्तविक रूप से किससे संबंधित है, वर्गीकरण से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पौधों को समानता एवं असमानता के आधार पर समूह में बांटा जाता है या फिर जैविक स्तरों में विभाजित किया जाता है, और विभाजित करने को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो यहां पर पौधों का या तो समूहीकरण किया जाएगा समानता और असमानता के आधार पर, या उन्हें किसमें बांट दिया जाएगा, उन्हें बांट दिया जाएगा जैविक स्तर में। तो वास्तविक वर्गीकरण किसमें किया जाएगा, बीटा टैक्सोनॉमी में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट है फिर भी सिलेबस से इसे क्यों हटा दिया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में इसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं इसके। सीबीएस की बुक्स में इसका कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, आरबीडी की जो दहली पब्लिकेशन वाली बुक्स होती है उनमें इसके बारे में बताया हुआ है, दहली वाली बुक्स में, राजस्थान वाली बुक्स में इसका वर्गीकरण भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गई बीटा टैक्सोनॉमी। तीसरी आएगी ओमेगा टैक्सोनॉमी। आपने क्या किया, आपने खोज कर ली, पहचान कर लिया, नामकरण कर लिया, वर्गीकरण प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद किसी पुस्तक में उसे रख दिया, पुस्तक में रखने के बाद हर्बेरियम या किसी संग्रहालय में उसे संग्रहित कर दिया। संग्रहालय में संग्रहित करने के बाद आपने क्या किया, बीटा टैक्सोनॉमी में उसका क्या कर दिया, वर्गीकरण किया।
बीटा टैक्सोनॉमी वर्गीकरण करने के बाद, मतलब बीटा टैक्सोनॉमी में क्या किया, उसका समूहीकरण कर दिया, उसे जैविक स्तरों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब आएगी आपकी लास्ट एंड फाइनल ओमेगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, ओमेगा टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी में इन पौधों में जो विविधता पाई जाएगी, इन पौधों में क्या होगी जो विविधता, भाई वर्गीकरण करने के बाद में इनमें क्या होगी, कुछ विविधता होगी, या इन पौधों का उद्विकास कैसे हुआ, इन पादपों का उद्विकास कैसे हुआ है, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी में, उन पादपों का अध्ययन हम किस में करेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो गए तीन प्रकार के टैक्सोनॉमी, अल्फा, बीटा एवं ओमेगा टैक्सोनॉमी। उसके बाद आएंगी इन टैक्सोनॉमी की कुछ शाखाएं एवं इनसे संबंधित सिद्धांत तथा उद्देश्य, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो अब टैक्सोनॉमी के साथ अल्फा हो गई, बीटा हो गई, ओमेगा हो गई, सबसे विकसित जो है वो ओमेगा है, उससे कम विकसित है बीटा और सबसे कम विकसित है अल्फा। ठीक है, बीटा जो है विविधता और उद्विकास का अध्ययन करेगी, ओमेगा वर्गीकी विविधता और उद्विकास का अध्ययन करेगी, बीटा जो वर्गीकी होगी वो वास्तविक रूप से वर्गीकरण से संबंधित होगी, जो पौधों का समूहीकरण करेगी या जैविक स्तरों में बांटेगी, जबकि अल्फा टैक्सोनॉमी खोज करेगी, पहचान करेगी और नामकरण करेगी और वर्गीकरण को प्रारंभ करेगी, लेकिन वास्तविक वर्गीकरण कौन करेगी, बीटा टैक्सोनॉमी। उसके बाद इसकी शाखाएं, शाखाओं के बाद सिद्धांत और उसके बाद उद्देश्य। ठीक है, इसका अध्ययन जो है शाखाओं का अध्ययन, उनके सिद्धांतों का अध्ययन एवं उद्देश्यों का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।